भैया जिंदाबाद, 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 मैं भैया जिंदाबाद, 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 मधु पाजत कैसा हो, अजमेर सिंह जैसा हो, मधु पाजत कैसा हो, अजमेर सिंह जैसा हो, साइकिल बाइक पे आप, ये पहली बार खड़े हो रहे हैं आप? अच्छा, अपने साथियों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? साथियों का उत्साह देख करके लग रहा है, बड़े भाइयों का आशीर्वाद। सर प्रणाम। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, नामांकन प्रक्रिया 1 तारीख से शुरू हुई है और 2 और 3 तारीख तक चलेगी। हमारे सेंट्रल बार एसोसिएशन में 5027 वैलिड वोटर है, लेकिन इसमें रखा गया है 19 वकीलों को वोट डालने का मौका मिलेगा जिनका COP नंबर होगा, और उनको अभी तक छूट दी गई है कि वो अपना COP नंबर दर्ज करवा लें कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाके। जिनका COP नंबर नहीं होगा उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। और आज बहुत ही उत्साहपूर्वक अध्यक्ष, महामंत्री, वाइस प्रेसिडेंट पे नामांकन किया गया और बहुत ही खुशी की लहर है वकीलों में कि इसका वार्षिक चुनाव हो रहा है और बड़े धूमधाम से इसको एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। और ये वाकई में जो है वकीलों का एक पर्व ही है, जो साल में एक बार चुनाव होता है, वकीलों इसको बहुत ही मन से और तन से मिलकर सब मनाते हैं। तो हम चाहते हैं कि वकील लोग इसको इसमें समर्थन करें, कोई भी इसमें हिंसा और इस तरह की वातावरण पैदा न करे, इसमें चुनाव की प्रक्रिया बाधित है। अभी तक कल से आज तक के कितने नामांकन हुए? कल तो 19 नामांकन हुए तो पहले दिन था, और आज कम से कम 50 के ऊपर नामांकन पहुंच चुके हैं। आज क्या अंतिम दिन है क्या नामांकन का? आज का अंतिम दिन 3 तारीख 3 मार्च तक 4 बजे अंतिम दिन है उसका नामांकन का। चुनाव कब पड़ेगा मतदान? 24 मार्च को मतदान होगा, इससे पहले प्रक्रिया बनाई जाएगी वोट डालने की। रिजल्ट 25 मार्च। कितने पदों पर चुनाव हो रहा है? 22 पदों। किन किन पदों पर? अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मिडिल उपाध्यक्ष और कनिष्ठ मिडिल और जूनियर वाइस प्रेसिडेंट और मिडिल वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी और कांकाड़ी से 12 गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होते हैं, जिसमें 6 सीनियर और 6 जूनियर। मैं उपेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य चुनाव अधिकारी सेंट्रल बार एसोसिएशन।